स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 की साइंस की बुक्स। तो हम थे अपने चैप्टर नंबर 8 पे। हमने क्या क्या पढ़ लिया था पहले मैं वो थोड़ा सा आपको बताऊंगी। तो हमने पढ़ लिया था फोर्स से रिलेटेड, इनर्शिया से रिलेटेड, इनर्शिया क्या है, फोर्स क्या है। फिर हमने पढ़ा फ्रिक्शन के रिलेटेड और वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटी और मास के बारे में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ग्रेविटी जो है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा देती हूँ। पहले ग्रेविटी एक फोर्स की ही टर्म है। एक फोर्स, ये भी फोर्स और इसकी भी क्लोज रिलेशन है। अब हम खड़े हुए हैं जमीन के ऊपर। हम क्यों खड़े हुए हैं? अगर ये पेन, ये मेरे पास एक बॉल पेन है, ये मैंने इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से खड़ा किया हुआ है, ये यहाँ पे क्यों है इसका भी साइंस ने लॉजिक बताया कि ये इस तरह से टिका हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी कहीं पे ना हो तो वो चीज़ फ्लोट करेगी एयर में, ठीक है, वो एयर में हो जाएगी। मैं चाहे उसको यहाँ पे रखूँ, वो एयर में होगी, ठीक है, मतलब कि वो एयर में फ्लोट करना शुरू होगी अगर ग्रेविटी ना हो। इसी तरह से सेम एज एग्जांपल है ह्यूमंस की। किसकी? ह्यूमंस की, कि ह्यूमंस अब हम जमीन पे खड़े हैं तो क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है। अगर हम जमीन पे ना, अगर ग्रेविटी ना हो तो हम क्या, हम हवा में उड़ेंगे। तो चलिए अब रीडिंग के साथ भी साथ साथ डिस्कस करते हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इधर से दूंगी। ग्रेविटी इज एन द टाइप ऑफ फोर्स। इट इज द फोर्स विच पुल थिंग्स टूवर्ड्स ईच अदर और द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि ग्रेविटी फोर्स की एक टाइप है, ठीक है। अब ये फोर्स क्या काम कर रही है? ये फोर्स चीज़ों को पुल करती है, ठीक है, चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, टूवर्ड्स ईच अदर और द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो अपनी, वो चीज़ों को अर्थ के सेंटर में खींचती है। वो क्या करती है? अर्थ के सेंटर में चीज़ों को खींच रही है। ग्रेविटी ऑलवेज ड्रॉज ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स वन अनदर, इट नेवर रिपल्स द, ठीक है। ग्रेविटी हर चीज़ को ड्रॉ तो कर रही है टूवर्ड्स वन अदर, मतलब एक दूसरे से टकराव तो कर रही है लेकिन उनको कभी रिपेल नहीं करती। इसी एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर आपको ग्लास की दी हुई है, ठीक है। आपने देखा होगा जब पिछले सालों जलजले काफ़ी ज़्यादा आए हैं, अगर आपने देखा या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है, कि आप ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ टेबल, ये पेन सपोज कर लेंगे टेबल है और यहाँ टेबल के बिल्कुल कॉर्नर पर ग्लास पड़ा हुआ है, तो जैसे ज़रा सा ज़मीन को झटका लगा तो वो ग्लास नीचे गिर जाएगा। अब वो ग्लास नीचे क्यों गिर गया? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी थी। ग्रेविटी ने पुल किया उसको टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर के, अर्थ के सेंटर में नीचे गिर गई जाएगा फिर इस वजह से, ठीक है। अब ये देखिए, हम थोड़ा सा सर आइजक न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं। In 1665, a scientist called Sir Isaac Newton was sitting under an apple tree. When an apple fell to the ground, why did it fall? He thought to himself, no one had pushed or pulled it. He realized that there must be a force that pulled it towards the earth. He called this force gravity. अब 1665 की बात है। एक साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था सर आइजक न्यूटन। वो एक मरतबा दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, अचानक से, अब वो जिस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे वो सेब का दरख्त था। जब वो सेब के दरख्त के नीचे बिल्कुल ही छाँव में, सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे छाँव में, ठीक है, तो अचानक से उनके सर के पास आकर एक सेब गिर गया नीचे, ठीक है। अब उनके जहन में एक सवाल आया, उन्होंने कहा कि ये सेब क्यों नीचे गिरा, ये ज़मीन पे क्यों आया, नीचे क्यों गिरा, ठीक है, क्यों गिरा? क्योंकि
उस टाइम किसी को ये मालूम नहीं था कि ग्रेविटी भी होती है, ठीक है। अब उनके जहन में जब से सवाल आया कि शेर क्यों नीचे गिरा, वो इस तरह से आया कि ना तो कोई ऊपर खड़ा हुआ था जिसने नीचे फेंका, ठीक है, तो किसी ना ना सेब को किसी ने हिलाया तो कैसे गिर गया, ठीक है। सोचते सोचते फिर ये उनको ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पर यकीनन कोई फोर्स अप्लाई हो रही है जो सेब को नीचे गिर गया, जिसने अर्थ पे मतलब कि जमीन पे वो सेब गिरा। तो उस फोर्स को क्या कह दिया हम लोगों ने, उस फोर्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया, उसको फोर्स को उन्होंने ग्रेविटी का नाम दे दिया। फिर लाइफ मैकेनिज्म, ग्रेविटी कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट, इट इज द फोर्स विच कीप्स द प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन एंड स्टॉप यू फ्रॉम फ्लोटिंग ऑन टू इन टू द स्पेस। अब जिस तरह से मैग्नेटिज्म नहीं नजर आता, इसी तरह ग्रेविटी भी हमें नजर नहीं आती। ये वो फोर्स है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम चाहें तो हम महसूस कर सकते हैं। ये वो फोर्स है जो प्लैनेट्स को सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने में, ऑर्बिट प्लैनेट्स को अपना चक्कर सन के गिर्द मुकम्मल करने में मदद करती है। इसी तरह से ये इंसानों में भी काम है, कारामद है। वो किस तरह से कि हम लोग स्पेस में फ्लोट तो नहीं कर रहे, पैर तो नहीं रहे, वो किस वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेविटी है। फिर ये देखिए बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, फिर अब थोड़ा सा बैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में बात करते हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात करते हैं। तो द पर्सन इन द इलस्ट्रेट स्टैंडिंग स्टिल, ये देखिए इस पर्सन के थ्रू हम सारा समझेंगे। वो सीधा खड़ा हुआ है, एक पर्सन है इधर, वो सीधा खड़ा हुआ है। द फोर्स ऑफ हिज वेट इज इन बैलेंस विद द रिएक्टिंग फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि उसकी ऊपर वाली फोर्स और उसकी नीचे वाली फोर्स दोनों फोर्सेस क्या हैं, बराबर हैं। उसका वेट दोनों फोर्सेस का वेट इक्वल है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और व्हेन इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड द फोर्स आर इन बैलेंस, यानी कि जब कोई चीज़ खड़ी हुई है या कोई चीज़ एक ही स्पीड से चल रही है तो वो चीज़ क्या है, वो बैलेंस्ड है, वो बैलेंस्ड फोर्स होगी। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज अ चेंज इन मोशन, बैलेंस फोर्स कभी भी उसके मोशन में चेंज नहीं आता। वो अगर वो एक स्पीड से चल रही है तो वो एक स्पीड से चलती रहेगी, ठीक है। वो अपनी स्पीड को ना तो रिड्यूस कर सकती है ना तो वो तेज कर सकती है। फोर्स आर अनबैलेंस व्हेन समथिंग इज मूविंग, लेकिन फोर्स तब अनबैलेंस होती है जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है। जब समथिंग इज मूविंग, व्हेन समथिंग इज मूविंग इट मीन्स कि जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाती है। फिर व्हेन समवन मेक्स अ पैराशूट जंप दे आर पुल्ड रैपिडली टुवर्ड्स द अर्थ। अब देखिए जब कोई शख्स पैराशूट से जंप करता है वो डायरेक्ट जल्दी से रैपिडली जल्दी से अर्थ की तरफ मूव करता है, ठीक है। आप कहीं से छलांग लगाते हैं तो आप जल्दी से आप अर्थ की तरफ नीचे आप नीचे जल्दी गिर जाएंगे, ठीक है। ग्रेविटी सच मोर पावरफुल देन द फ्रिक्शन कॉज्ड बाय योर रेजिस्टेंस एंड ड्रैग ऑफ देयर बॉडी, द फोर्स आर अनबैलेंस्ड। अब वो क्या कह रहे हैं कि ग्रेविटी ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा ताकतवर है फ्रिक्शन से, ठीक है। अब यही वजह है कि अनबैलेंस्ड फोर्स होगी ये जो मतलब जहाँ पे मोशन हो रहा है, जहाँ पे मूवमेंट हो रही है उसको वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगी वहाँ पर। व्हेन अ पैराशूट इज ओपन ग्रेटली इंक्रीज द एयर रेजिस्टेंस एंड स्लोज द स्पीड एट विच दे आर फॉलिंग। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब पैराशूट को जल्दी से हम ओपन कर लें, ठीक है, तो उसका एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जिस टाइम हम वापस नीचे आ रहे होते हैं तो वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये थी अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कुछ मैस एंड वेट के रिलेटेड, मैस और वेट से रिलेटेड। तो देखिए वेट इज अ फोर्स, इट इज इन फैक्ट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब वेट जो है वो क्या कह रहे हैं कि वेट वजन भी एक फोर्स है, ठीक है।
इट इज इनफैक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है. ऑन अर्थ इट इज कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस. लेकिन अगर हम अपनी जमीन यानी कि अपनी अर्थ की बात करें, अपने प्लैनेट की बात करें, ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ के और ऑब्जेक्ट के. ठीक है, द ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द अर्थ द लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यानी कि जितना ज़्यादा उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट से, द ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द अर्थ, जितना ज़्यादा उसका दूर डिस्टेंस होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम होगी. सो वेट विल बी ऑल्सो लेस. इसी तरह से तब ही वेट भी कम हो जाएगा. रिमेंबर दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन वेयर इट इज. वेट किसी भी चीज़ का डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर है, वो इंसान, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है. सिंस वेट इज अ फोर्स इट इज मेजर्ड इन न्यूटन. अब वेट पता चल गया कि वेट एक फोर्स है और इसकी यूनिट जिसे मेजर किया जाता है इसको वो न्यूटन है. फिर मास इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर ऑफ ऑब्जेक्ट कंटेन. इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम. ठीक है, मास एक वो मेजरमेंट है जिससे हम पता चल सके कि कितना मैटर है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, कितना मैटर है उस ऑब्जेक्ट के अंदर. और फिर मास जो उसका जिससे मेजर किया जाता है वो किलोग्राम्स में मेजर की जाती है. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टेज द सेम नो मैटर वेयर इट इज. अब मास जो होता है वो हर जगह पे सेम रहता है. यानी कि अगर मैं अर्थ से किसी और प्लैनेट पे चली जाऊँ तो तब भी मेरा मास वही रहेगा जो मेरा अर्थ पे था, वो चेंज नहीं होता. स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स. अब एग्जांपल्स की तरफ हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या है. अ 60 kg मास वेट 600 newton ऑन द अर्थ. अब 60 kg का जो मास है, 60 kg मास, उसका वेट है 600 newton अर्थ पर. हाउएवर ऑन द मून विच इज स्मॉलर देन द अर्थ द मास मीन 60 kg बट वेट ओनली 100 newton. यानी कि अगर मैं यहाँ से मून पे चली जाऊँ जब और यही मास तो और ये वाला मेरा हो, ये सारा कुछ हो, ठीक है, तो अर्थ से जब मैं मून पे जाऊँगी तो मेरा क्या हो जाएगा, मास उतना को उतना ही रहेगा, 16 kg रह जाएगा, लेकिन वेट मेरा 100 newton हो जाएगा. यानी कि वेट कम हो जाएगा. सो If you were to travel to the moon, your weight will change because the pull of gravity is weaker than the earth. यानी कि अब वेट भी हमारा कम हुआ, इसकी भी रीजन होगी, ठीक है, तो उसकी ये है कि जो ग्रेविटी थी ना वो वीक होगी अर्थ के निस्बत. योर बॉडी मास विल नॉट चेंज बिकॉज यू विल स्टिल हैव द सेम अमाउंट ऑफ मैटर इन यू. और आपका मास इस वजह से नहीं चेंज हुआ कि आपके अंदर उतना ही गोश्त है, आपकी बॉडी के अंदर उतना ही सब कुछ है, सेम अमाउंट ऑफ मैटर है, सब कुछ सेम रहा, तो इस वजह से मास भी आपका चेंज नहीं हुआ. ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर. थोड़ा सा अब ये एक साइड बॉक्स रह गया था वो भी बता देती हूँ मैं आपको. ऑन मून ऑन द मून ऑन एन एस्ट्रोनॉमिट्स बॉडी मास विल रिमेन द सेम बट हैज हर वेट विल चेंज इज और हर वेट विल चेंज. यानी कि जब एस्ट्रोनॉमिट्स होते हैं वो मून पे जब जाते हैं तो उनका मास तो वही रहता है, उनका मास तो वही रहता है लेकिन उनका वेट चेंज हो जाता है. तो ये थी आज की वीडियो. आई होप आपको समझ आ गई होगी. अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके. तो फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.